इंकलाब आएगा, रास्ते खून से इंकलाब आएगा। ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन, 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 ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन। और जॉब नहीं चलेगा, और जॉब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और जॉब नहीं चलेगा। नगर का राजबाग इलाका है जहां पर कश्मीरी पंडित जो श्रीनगर और बड़गाम में रहते हैं वो यहां पर गैदर हुए हैं और प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लगा के आप देख सकते हैं कि राहुल भट्ट की तस्वीरें भी हैं और लगातार ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक्चुअली 10वां दिन है क्योंकि 10वें बिल्कुल उसी दिन प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिस दिन राहुल भट्ट को गोली मारी गई थी तहसील ऑफिस में, और तब से लगातार डिमांड्स जो हैं इनकी लगातार है कि ना केवल इनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए राहुल भट्ट की फैमिली को, बल्कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर पीएम पैकेज के तहत आए हैं उनको जो है यहाँ से लेकर वापस किया जाए। अभी हम बात करें नॉर्थ सेंट्रल और जो साउथ कश्मीर है, लगातार जहां पर भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं वहां पर प्रदर्शन जारी है। मैं एक प्रदर्शनकारी से यहां पे बात करने की कोशिश करूं। मैम, आपको मैंने प्रोटेस्ट में लगातार देखा, 10वां दिन है प्रोटेस्ट का, क्या डिमांड्स हैं और आज आप कहां चल रहे हैं? देखिए सर, फर्स्ट डे से अभी तक आज 10th डे है, हमारी क्लीन एंड क्लियर एक ही डिमांड है कि हमें रिलोकेट करिए आउटसाइड कश्मीर वैली, क्योंकि कश्मीर में हम कहीं पर भी सेफ नहीं है। आप हमें लॉलीपॉप्स दे रहे हैं, हमारी अब ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आप काम अब कर रहे हैं वो पिछले 12 सालों में आपसे मांग रहे थे, सिक्योरिटी, ट्रांसफर्स, जीने का हक, वो हमें 12 साल में नहीं मिला। अब प्लीज हमारे साथ खेलिए मत, हमारी सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलिए। मैम, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमने यही सवाल किया, उन्होंने कहा कि उनको कुछ धैर्य रखना चाहिए, हम सब उनकी जो डिमांड्स है उनको देखेंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले जो डिविजनल कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा कि कुछ सर्विस रूल्स भी होते हैं जिसको इनको अबॉइड करने चाहिए, तो कैसा आप रवैया देख रहे हैं सरकार का आपके? तो सर देखिए, गवर्नमेंट जो है ना वो पॉलिटिक्स खेल रही है, हमें उसके साथ मिक्स मत करिए, हम सिर्फ जीने का हक मांग रहे हैं, हम यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि जो राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है वो तहसील ऑफिस में हुई जो बिल्कुल सिक्योर ऑफिस था, जब वो सेफ नहीं तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है, तो इसलिए प्लीज हम सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, हमें जीने दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें आउटसाइड कश्मीर रिलोकेट कर दीजिए। आपने जैसे सुना कि यहाँ पर एक ही लगातार एक ही डिमांड है वो ये है कि कश्मीर से बाहर रिलोकेट करें, लेकिन सरकार के लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सरकार जो लगातार बात कर रही है कश्मीरी पंडित और हिंदूज को घाटी में वापस लाने की, और वहीं जो पहले ही 2010-12-13 में आए हैं अगर वो वापस जाने की बात करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा धचका होगा। इंकलाब आएगा,